اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على محمد. صحفيه وسلم سلامي روضة فيها النبي المحترم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم म नाजरिन अल्लैकमी ताली वबरक रबी अव्वल का ये बरकतों वाला महीना जिसमें हज़ू नबी रहमत रतल्हल तो कायनतों के लिए रहमत बनकर तशरीफ़ लाए और उसी की बरकत है कि आज हम अच्छी ज़िंदगी मतमदन ज़िंदगी गुजार रहे हैं ये सब हमारे नबी सला की आमद और हज़ूर की तरबियत का सदक़ा है अल्लाह रब्ल हमें आखिर दम तक और तायाम कयामत हमारी नस्लों को इसी तरह इस्लाम से और पैगम्बर इस्लाम से वाबस्ता रखें आज हमारा जो मौजू है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है और इस लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है कि हम उसकी प्रैक्टिस और उसे इस्तेमाल करते वक्त उसके वजूद का बाजूक़ात इनकार कर देते हैं आज का मौजू है शुक्र के हम शुक्र किस तरह अदा करें शुक्र अल्लाह का अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि का और अल्लाह के बंदों का तो सो शुक्र के तीन दर्जे हैं सबसे पहला शुक्र तो हमारे शुक्र का हकदार हमारा वो खालिक व मालिक है जिसने हमें अच्छी शक्लें सूरतें नेमतें दे के दुनिया में भेजा और उसके बाद हमारे शुक्र का और एहसास शुक्र के सबसे ज़्यादा हकदार हमारे प्यारे नबी हुजूर नबी मुकर्रम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि व मुजस्म सल्ला वबारक वसम के साथ है जिनकी तरबियत और जिनकी तालीमात की, की वजह से हम एक महजब माशरे में महजब इंसान और महजब मुसलमान की हैसियत से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं फिर आ जाता है तीसरा हक़ अल्लाह के बंदों का अल्लाह के बंदों का शुक्र अदा करना भी उतना ही ज़रूरी है क्योंकि जब आप अल्लाह के बंदों का शुक्र अदा कर रहे होते हैं तो दरअसल आप अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे होते हैं किस लिए कि बंदे का असल मालिक तो हमारा रब है ना तो जब आप उसकी तख्लीक का शुक्र अदा करेंगे तो दरप्रदा उसके खालिक का शुक्र होता है मैं आपसे ये गुजारिश करता चलूँ कि शुक्र एक इतनी अहम और इतना ज़रूरी अनसर है हमारी रोज़मर्रा जिंदगी का हमारे अमाल का हमारे चलने फिरने उठने बैठने खाने पीने नेमतें मिलने बीमारी से बचने मसाइब से बचने कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे शुक्र वाजिब नहीं आता अल्लाह इज़्ज़त ने कुराने हकीम में शुक्र के बारे में बेशुमार आयात में फरमाया है या शुक्र करने वालों का जिक्र किया है ना या ना शुक्री करने वालों का जिक्र किया है तो आ, नहल में अल्लाह इज़्ज़त ने एक बस्ती की मिसाल देते हुए कुरान हकीम में फरमाया कि हमने उस बस्ती को बहुत नेमतों से नवाज़ा था अच्छे अच्छे खाने लोग सेहतमंद अच्छी ग़ाओं से भरपूर वो पूरा मुआशरा था आबो हवा बहुत अच्छी थी फूल पल सब्ज़ियाँ और नेमतें अल्लाह ने दे रखी थी और वो लोग शक्र गुज़ार थे और अल्लाह का शक्र अदा करते थे फिर कुराने हकीम ने इसी आयत में फरमा के फिर एक वक्त आया कि वो बंदे ना शुक्र हो गए उन्होंने अल्लाह का शक्र अदा करना छोड़ दिया अल्लाह ने वो तमाम नमतें उनसे वापस कर लीं सल्ब कर लीं इस तरह वो एक बस्ती नहीं यही हाल उस पूरे मुल्क का हो जाता है कि जब वहाँ पे शुक्र करने वालों की तादाद कम हो जाती है और ना शुक्रे लोगों की जो तादाद है वो ज़्यादा हो जाती है ना तो अल्लाह ताला की रहमत और अल्लाह ताला की जो मंशा और ख़्वाहिश है ना कि वो इंसान से शुक्र का मुस्तह है वो फिर तमाम नेमतें वापस हो जाती हैं ये कुराने हकीम है और बार हर जगह पर अल्लाह रबुल्ज़त ने फरमाया ल इन शक्र थमला अजीद अगर आप शुक्र अदा करेंगे अगर आप यानी जो नमत आपको मिली है जिस मुसीबत से आप बचे हैं उसके ऊपर शुक्र अदा करेंगे जो अल्लाह ने आपको रिज्क दिया है पानी दिया है हवा दी है पल दिए हैं खाने को रहने को अच्छा घर दिया है कप क्या चीज़ें नहीं दी तो उसके बारे में कहा कि अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो हम अपनी इन नेमतों में इजाफा कर देंगे और अगला जो पार्ट जो है वो ये है और अगर तुम ना शुक्री करोगे अगर तुम ना शुक्र हो जाओगे तो फिर क्या होगा अल्लाह की का अजाब बड़ा शदीद है आप ये देखें कि शुक्र अदा करने की जहाँ पर बहुत नेमतों का जिक्र है अल्लाह के इनामात का जिक्र है वहां ना शुक्री के बारे में क्या दर्दनाक अजाब है ये नहीं कहा कि उनको महरूम कर दिया जाएगा ये नहीं कहा कि उनसे ये चीज़ें वापस ले ली जाएंगी बल्कि दर्दनाक अजाब का मतलब है चीज़ें और नमतें वापस हो जाएंगी लेकिन उसके बाद उस ना की सज़ा दी जाएगी तो शुक्र का इतना अहमियत और इतनी ज़्यादा ज़रूरत है हमारी सोसाइटी को जिसके बारे में अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्ला वसम ने बेशुमार पुरानी हकीम में अदीस में सीरत रसूल में इसका ज़िक्र होता है बल्कि नबी रतल्ला वल्म जिनकी आमद का पर हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं रबी अलवल के इस मुबारक महीने में हज़ू नबी रलील वम ने एक मरतबा साहबा रजवानल मजमाइन के सामने एक वाकया बयान फ़रमाया अकालसलात ने बयान किया कि बनी इसराइल के तीन लोगों का जिक्र किया कहा उनमें से एक कोड़ी था जिसे बर्स की बीमारी थी एक गंजा था जिसके सर पे मुंह पे कोई बाल नहीं था और एक अंधा था जिसकी बिनाई नहीं थी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन तीनों का इम्तिहान लेना चाहा अल्लाह ने फरिश्तों को, को, भेजा ये बनी इसराइल का तस्करा है अल्लाह ने फरिश्ते को भेजा इंसानी शक्ल में वो पहले उस कोड़ी के पास आया और उसने कहा कोई तुम्हारी ऐसी ख्वाहिश है कि जो तुम चाहते हो कि अगर पूरी हो जाए तो तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी हो सकती है उसने कहा हाँ क्यों नहीं अगर मेरी जिल्द अच्छी हो जाए और मेरी रंगत अच्छी हो जाए तो लोग मुझसे नफरत करना छोड़ देंगे कराहत करना छोड़ देंगे मैं एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ तो फरिश्ते ने उसके जिस्म पे हाथ फेरा वो बरस जाता रहा उसकी वो जो जिल्द थी उसकी स्किन भी बहुत अच्छी खूबसूरत हो गई वो बड़ा खुश हुआ फिर फरिश्ते ने उससे पूछा कि क्या तुम्हारी कोई और ख्वाहिश कोई माल चाहिए उसकी कोई ख्वाहिश है उसने कहा हाँ अगर मुझे ऊँट मिल जाए तो सवारी के काम आ जाएगा ऊँटनी होगी तो दूध देने के काबिल हो जाएगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से उस फरिश्ते ने एक हामला ऊँटनी उसको दी और कहा अल्लाह तुम्हें बरकत दे फिर वही फरिश्ता उस बंदे के पास पहुँचा जिसके जिस्म पे मुँह पे बाल कोई नहीं थे उसने कहा कोई ख्वाहिश तो उसने कहा हाँ एक ख्वाहिश है कि अगर मुझे अल्लाह ताला मेरे जिस्म पे मेरे चेहरे पे सर पे बाल हो जाएं तो मैं ये जो अपने एहसास कमतरी मेरे अंदर है इससे बचूँ और लोगों के सामने मैं इज़्ज़त बकारार और ख़ुशी से जाऊँ फरिश्ते ने उसके सर पे मुंह पे हाथ फेरा वो एक अल्लाह ताला ने उसको वो तमाम बाल जो वो चाहता था ख़्वाहिहश करता उसका दे दिए और अल्लाह ताला ने उसको खूबरू बना दिया फिर फरिश्ते ने पूछा कि तुम्हारी कोई माल तुम्हें चाहिए कोई ख़्वाहिहश उसने कहा जी अगर मुझे गाय मिल जाए तो उससे दूध भी होगा और फिर आगे मैं कारोबार भी करूँगा तो उससे मुझे नफा होगा तो फरिश्ते ने एक हामला गाय अल्लाह के हुक्म से वहाँ पर आ गई दे दिया और कहा कि अल्लाह तुम्हें बरकत दे इसी तरह अल वो जो नाबीना था उसके पास भी यही सवाल किया उसने कहा अगर मुझे आँखें मिल जाएँ तो मैं इस दुनिया को देख सकूं, ये देख सकूं इंसान कितना खूबसूरत है इसकी वजह कत क्या है मैं अपनी बहन भाइयों औलाद अपने अजीज़ वब को देख सकूं, मैंने तो सिर्फ़ अंधेरा देखा है फरिश्ते ने उसके हाथ आँखों पे हाथ फेरा अल्लाह के हुक्म से बिनाई आ गई फिर उससे पूछा कोई माल जो तुम्हें चाहिए उसने कहा अगर एक बकरी मिल जाए ना तो मैं ये गोश्त का भी उससे हो जाएगा दूध का भी हो जाएगा और मैं कारोबार भी कर सकूँगा अल्लाह इज़्ज़त ने वो भी भेज दी और फरिश्ते ने कहा अल्लाह तुम्हें इसमें बरकत दे ख़त्म हो गया मामलात आ गए ये लोग इतने अमीर हो गए कि जो ऊँटनी जिसको मिली थी उसकी वादी सारी ऊँटों से भर गई जिसको गाय मिली थी उसकी वादी इस गाय और बिछड़ों से भर गई जिसको बकरी मिली थी उसका सारा इलाका बकरी के ए, ए, उससे भर गया किसी के पास बकरियां हैं किसी के पास बकरा तो फिर अल्लाह ताला ने फरिश्ते को भेजा कि अब इनका इम्तिहान लो जाके तो वो बंदा सबसे पहले कोड़ी के पास आया कि मैं एक गरीब आदमी हूँ मुसाफिर हूँ क्या तुम मैं तुम मुझे इन ऊँटों में से एक ऊँट दे सकते हो कि मैं सफ़र करके अपनी मंजिल तक पहुँच जाऊँ तो उसने कहा क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें इतना तुम पर एहसान किया है तुम इतने गरीब थे तुम इतने बदहाल थे कि अल्लाह ने तुम पे इतना कर्म किया तो उसने कहा नहीं नहीं ये तो मेरे बाप दादा की छोड़ी हुई दौलत है मैं इसमें से नहीं दे सकता फिर ने कहा ठीक है अल्लाह ताला देख रहा है अलगज़ वो दूसरे के पास पहुंचा, उससे कहा कि मैं एक गरीब और मुफलिस हूं, क्या तुम मुझे एक गाय दे सकते हो उसने भी कहा नहीं नहीं, नहीं और बड़े काम हैं मैं देता रहता हूं कुछ अजीज़ व हैं कुछ उनको मैं तुम्हें गाय नहीं दे सकता फरिश्ते ने कहा कि ठीक है वो फिर बकरी वाले के पास पहुँचा जो नाबीना था और उसने फरिश्ते ने ये कहा तुम्हें याद है तुम अंधे थे मुफलस थे कल्लाश थे फिर अल्लाह ने तुझे एक बकरी अता फरमाई उससे पहले तुझे आँखें दी और आज तुम इतने बड़े अमीर आदमी हो उसने कहा बिल्कुल मैं इकरार करता हूँ मैं आँखों से अंधा था मैं मुफलिस था मैं कंगाल था मेरे रब ने मुझ पर बहुत करम किया मेरे भाई अगर तुम्हें कोई अल्लाह के रास्ते में चाहिए तो ये बकरियों का रेवड़ पड़ा है जितनी मर्जी ले जाओ इसलिए कि मैं भी तेरी तरह बिल्कुल खाली था मेरे रब ने मुझे दिया लिहाजा मैं शुक्र के तौर पर तुम्हें तो ये सारा कुछ देने को तैयार हूं वो तो फरिश्ता कहने लगा मैंने इनमें से कुछ नहीं लेना बात सिर्फ शुक्र की थी और तुम्हारा इम्तिहान था जो ना शुक्र हैं वो फिर उसी हालत में आ गए नबी ने वाक़ सुना कल लाश भी हो गए जो जो कोड़ी था वो कोड़ के बीमार में चला गया अंधा जो गंजा तो, जो था वो दोबारा और जो नबीना था उसको अल्लाह ताला ने नेमतों से नवाजा और वो शुक्रगुजार बंदा था इसलिए अब सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह ताला शुक्र को क्यों पसंद करता है शुक्र को इसलिए पसंद करता है कि उसे अपना वो बंदा अच्छा लगता है जो नेमत मिलने के ऊपर अपने रब की तरफ रुजू करके कहता है मालिक मैं तो कुछ नहीं था मैं तो मेरी पहचान कोई नहीं थी तूने मुझे ये सारा कुछ दिया तू मेरे मेरा ख्याल रखता है इसलिए मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ सजदा मैं तेरी बारगाह में तो, तेरी इबादत करता हूँ अल्लाह को ये पसंद है अच्छा यही बात अगर आप शुक्र करने का, करें तो एक मामला इंसान का इंसान के दरमियान होता है ना जो हम आप आपस में करते हैं मुझे ए, कोई किसी से काम पड़ सकता है किसी को मुझसे काम पड़ सकता है तिजारत है ए, माल है ख़रीदो फरोख्त है दफ्तरों के काम हैं सर्विसेज हैं बेशुमार मामलात हैं जहाँ पे इंसान इंसान से ए, उजरत या इंसान से ख़दत चाहता है तो क्या अल्लाह तला का ये निज़ाम यहाँ पे बदल जाएगा कि अल्लाह का शुक्र तो अदा करो लेकिन जब इंसान से तुम्हें कोई फ़ायदा पहुँचे तो उसका शुक्र करना छोड़ दो ये क तन अल्लाह के निज़ाम के ख़िलाफ़ है लेकिन बदकिस्मती ये है और आप सब नौजवान कॉलेज़ में यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं आप खुद देखें और ख़ुद देखें क्या हम अपने सुबह की इब्तदा शुक्र से करते हैं पहले ज़िंदा सलामत उठते हैं उठने के बाद अपने आप को देखते हैं बिल्कुल जैसे सोए थे वैसे उठे हैं। बनता है ना अपने रब का शुक्र अदा करें ये अल्लाह का शुक्र है उसके बाद फिर जब आप बच्चे होते हैं छोटे होते हैं तो आपकी माँ आपको तैयार करती है नाश्ता आपकी यूनिफॉर्म आपका बैग सारा तो पहला शुक्रिया उस माँ का बनता है फिर उस बाप का शुक्रिया बनता है जो आपको स्कूल छोड़ने के लिए जाता है फिर आपका शुक्रिया उस टीचर के लिए बनता है जो आपको इल्म से जो आपको नॉलेज आप में उंडेलती है आपको अपना अपना इल्म का तजुर्बा आपको दे टीचर देता है या देती है शुक्र बनता है ना फिर आपकी क्लास के वो लोग मैं चूंकि स्टूडेंट्स से मैं बात कर रहा हूं तो फिर जो भी आपको भलाई दे किसी ने नोट्स दे दिए किसी ने पेन दे दिया मैं कहता हूं कि राई के दाने के बराबर भी अगर कोई आपके साथ एहसान करे ना तो शुक्र इतना ज़रूरी है और जो दुख वाली बात है वो यह है कि जिस मजहब ने जिस दीन ने जिस पैगंबर इस्लाम ने जिस कुरान ने सबसे ज़्यादा शुक्र अदा करने की तरगीब दी उसी के मानने वाले शुक्र के पहलू से खाली हैं उसी के मानने वाले अब मसला ये है कि हमारे यहाँ अगर एक बंदा शुक्रिया अदा करता है ना तो दूसरा कहता है ओ यार जाने दे शुक्रिया अदा करने लगा इतना कौन सी बड़ी बात है तो सर मैं परसों तरसों की बात है या पाँच छः दिन पहले मैं हम लोग किसी से रास्ता पूछ रहे थे गाड़ी का शीशा नीचे किया रास्ता पूछा और जो गाड़ी साहब चला रहे थे वो वहीं पर तो मैंने कहा ऐसा नहीं नहीं ठहरो पहले रास्ता बताने वाले का शुक्रिया अदा करो उसने तुम्हें अपने वक्त में से कुछ वक्त दिया है वो तुम्हारा नौकर या ग़ुलाम नहीं है ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम शुक्रिया अदा किए बगैर चले जाओ आप मगरब के यूरोप अमेरिका का मुआरा देखें आप यकीन मानें उनकी तरबियत में ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये वर्षा हमारा था ये सबक हमारा था ये तरीक़ाकार हमारा था लेकिन इसको कोई और उठा के ले गया इसको किसी और ने अपनी ज़िंदगी में दाखिल कर लिया और हम इससे मुबर्रा हो गए क्यों मैं शुक्रिया अदा करूँ जी टीचर का तनख लेती हैं मैं फीस देता हूँ ये बात नहीं है ये बात कतन नहीं है वो जो उसने आपके साथ उजरत वाला मामला किया है ना वो उसका और आपका मेहनत का एक माह है लेकिन जो शुक्र अदा करने वाला है ना वो इंसानियत की बात है कि वो खत्म हो गया अब बहसीत इंसान आप उनका शुक्रिया अदा करें मैं बहुत शुक्र हूँ छोटे छोटे बच्चे मैंने बाजारों में गलियों में आ, देखे हैं यूरोप में अमेरिका में तो उनकी तरबियत ऐसी होती है आप किसी बच्चे की तरफ मुस्कुरा के ऐसे देख दें तो वो सबसे पहले कहेगा थैंक यू उसकी प्यारी आवाज़ में थैंक यू सुनने के बाद जब अपनी तरफ नज़र डालें ना तो यकीनन बंदा शर्मिंदगी से मर जाता है इतना शुक्रिया अदा करने की बात है कि किसी बंदे ने बैठना है अपना बैग रखना है और आपने उसके कहे बगैर अपने बैग को इधर कर दिया तो वो बैठने से पहले गए थैंक यू सो मच ठीक है ना और हमारे यहाँ आप किसी के लिए कुर्सी छोड़ दें इल्ला माशाल्लाह जो समझदार लोग हैं वरना हमारा ये रवैया नहीं है किसी से राइड ले ली हम नहीं ये करते माँ बाप का शुक्रिया अदा नहीं करते बहन भाइयों का शुक्रिया अदा नहीं करते अपने मुआरे में जाके बाज़ार में गलियों में आप कोई शुक्रिया ही नहीं है किसी का क्यों इसलिए कि हमें अल्लाह का शुक्र अदा करने की आदत नहीं है इसलिए हम बंदों को भी नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मल्ला यशकुरास कि जो अल्लाह के बंदों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी ना शुक्र है तो ये आदत हम क्यों नहीं डाल लेते कि गुजरते वक्त किसी बंदे ने मुस्कुरा के देखा सलाम की सलाम के बाद जो सबसे अहम चीज है वह है शुक्रिया अदा करना किसी ने आपको पानी का गिलास दिया शुक्रिया टिशू पेपर पकड़ा दिया शुक्रिया किसी ने आपको कहा भाई इधर ना बैठना यहाँ पे यह चीज़ थी एक एक कदम पे शुक्रिया और इसका अजर जो आपको मिलता है वो आपको और मुझे उसका एहसास भी नहीं है शुक्रिया सिर्फ शीन काफ रे ये हे ये लफ्ज नहीं है शुक्रिया एक इतना बड़ा अजर की नहर है कि जो बहती जाती है और सैराबी होती जाती है तो अल्लाह करे कि हमारी सोसाइटी में भी ऐसी बातें आ जाएं कि हम भी शुक्रिया अदा करें और हमें भी ये रवाज हो जाए है? कोई इस बारे में इस शुक्रिया के बारे में कोई सवाल मेरा सवाल है कि क्या जिन अशिया की हम लोग उजरत अदा करते हैं उन पर हमारा शुक्रिया कहना ज़रूरी है बहुत ही अला और बहुत उमदा सवाल है ये इंसानी रवैये की बात है कि जब वो यक तरफा सोचता है ना तो वो कहता है कि देखें ये काम मैंने फ़लाँ से करवाया और मैंने उसकी उजरत और उसकी मज़दूरी दे दी ठीक है अब मैं शुक्रिया क्यों अदा करूं क्योंकि शुक्रिया अदा करते वक्त इसको झुकना पड़ता है तो मेरी इज्जत के ख़िलाफ़ है ये आपने कभी जैपनीज़ को देखा है कि जब वो थैंक यू कहते हैं तो बिल्कुल बेंड हो जाते हैं ये वो ट्रिब्यूट होता है ये वो अपनी तरफ से अपनी जो न्याजमंदी जाहिर करते हैं कि तुम मेरे मोहसिन हो और मैं तेरा बड़ा शुक्र गुजारूंगी तुमने मेरे साथ नेकी की वो बिल्कुल रुकू की हालत में चले जाते हैं आप अपने देखा होगा जैपनीज़ लोग जो हैं इसमें कोरियन करते हैं इस तरफ से तो क्यों करते हैं इसलिए कि इसका ताल्लुक अखलाकियात से है उजरत का ताल्लुक जो है वो आपकी तिजारत से है या आपके मददे से है और शुक्रिया अदा करना जो है वो बहसीत इंसान ये आपके इखलाकी मैार के ऊपर है कि आप अखलाकियात के किस दर्जे पे फायज हैं कि अगर कोई बंदा आपका काम करके गया और जाते हुए वो कह, कह गया कि जनाब मेरा काम हो गया जी मैं जा रहा हूँ तो आप उसको कहें आपका काम हो गया लेकिन मेरा काम अभी बाकी है मैंने तुम्हें थैंक यू कहना है इसलिए कि तुम मेरे मोहसिन हो तुमने काम की उजरत तो हो गई लेकिन जिस मोहब्बत से तुमने सामान को नीचे रखा वो चाहे तो फेंक भी सकता तो वो टूट जाता जो जबकि अक्सर औकात ऐसे होता है लेकिन उसने बड़ी ए, अच्छे तरीके से आपका सामान डिलीवर किया शुक्रिया तो बनता है वो इसलिए कि वो इंसान है और इंसान इंसान से पैसे के अलावा भी कोई तो रखता है और वह है शुक्रिया वह है मोहब्बत वह है सुकून वह है इम्तान ये बहुत ज़रूरी बात है और कोई क्वेश्चन मेरा सवाल ये है कि दुनिया भर के मजाब में शुक्रिया की बहुत ज़्यादा है जबकि इस्लाम में ख़ात्म नबी जीन हज़रत मोहम्मद अलैहि वसल्लम ने शुक्रिया कि हमें ताक़ीद की है लेकिन हम शुक्रिया करते हुए हिचकिचाते हैं क्या ये हमारी तरबियत में नुख्स है हाँ ये वाकई एक लमह फिक्रिया है। 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 ये सवाल जो है कि हमारी चूँकि प्रैक्टिस नहीं हुई होती बचपन में देखें आप देखें जो महजब माशरे हैं उनमें जो बच्चा होता है ना उसको कभी भी पालतू जानवरों से डराया नहीं जाता तन हमारे यहां किसी बच्चे को डराना होना तो कहते हैं बिल्ली आई अब उसके जहन में उसके अंदर नक्श हो जाता है कि बिल्ली को डरने की चीज है वो सारी जिंदगी बड़ा भी हो जाए फिर भी उसके अंदर बिल्ली का एक खौफ रहता है है ना तो ये इंसानी रवैया जब मजबूत हो जाता है पक जाता है ना जिसे हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं कि एक चीज़ की प्रैक्टिस इतनी हो चुकी है कि वो जैसे टाइपराइटर पर काम करने वाले या कंप्यूटर पर काम करने वाले देख कहीं और रहे होते हैं बातें किसी और से कर रहे हैं टाइप क्योंकि उनकी रोज़ तो ये जब तक शुक्र करने की आदत हम बचपन के उस उम्र से ना डालें जब हमारी आदत और हमारी आ, काम करने की जो स्टाइल या तरीक़ा है वो डेवलप होता है एक डेवलपिंग प्रोसेस होता है किरदार किरदार साजी और शख्सियत साजी में भी जब तक हम वो ना करेंगे अब इसमें किसी का कसूर नहीं है ये हमारे जहन में ही नहीं कभी आता इल्ला माशाल्लाह ठीक है वो जब बच्चे को किसी ने अगर वो जो भी जबान बोलता है उसने अपनी माँ से कहा कि अम्मा मुझे ये लेके दे दो तो जब माँ ने दे दिया तो वो भागने की बजाय कि वो लेके खुशी से ये भी तो कैसे तरबियत होती तो वो कहता कि अम्मा बहुत शुक्रिया आई लव यू मुझे प्यार है तुमसे माँ का दिल जो है ना वो कितना खुश होता ये माँ है लेकिन आप अगर अपने पड़ोसी को अपने एहसान करने वाले को अपने मोहसिन को अपने वो लोग जिनको आप जानते भी नहीं हैं लेकिन कोई मामला ऐसा होता है जहाँ आपका शुक्रिया बनता है जब आप करेंगे तो आप देखिएगा कि उनका सलूक और उनका रवैया आपके साथ क्या होता है हमें अपनी तरबियत में हमें अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में शुक्रिया का रवाज करना होगा कूड़ा उठाने वाले के लिए सफाई करने वाले के लिए दूध देने वाले के लिए माली के लिए ठेले के लिए अलरज जो शख्स आपकी खिदमत करता है या आप पर एहसान करता है उसका शुक्रिया अदा करें शुक्र का जो तरीका है या शुक्र का जो पहलू है शुक्र की आदत मेरे रब को बहुत पसंद है अल्लाह के नबी को बहुत पसंद है अगर हम अब भी अपनी अपनी जगह पर इनफरादी कोशिश करें अपने घर से फिर करते करते मुआशरे में फैल जाए तो शुक्रिया की आदत हमारी बहुत सारी टेंशन को जनबी सला का सला का जनबी सला Salawatullah